तो अब बताओ मुझे क्या शराय थी तुम्हारी। सबसे पहले मेरे सिपाहियों की तलवारें वापस की जाए और तुम महसूल के सोने से दस्तबरदार हो जाओ। जो हुआ उसे नजरअंदाज करके मेरे भतीजे सुलेमान को माफ करो। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। सुलेमान ने मेरे खिलाफ बगावत की थी और फिर वो जिंदान से फरार भी हो गया। बेबोलाद का इख्तियार तुमसे ज्यादा है तो मैं इसी से बात कर लेता हूं। खुद को काबू में रखो जब तुम अकेले में हो और अल्फाज को काबू में रखो जब तुम अकेले में ना हो। जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में दखलअंदाजी नहीं करते।